मेष राशि, संभल के चलने का ये दिन है। इस दिन कोई रिस्क मत लीजिएगा किसी भी किस्म का, चाहे वो आर्थिक हो या अन्य कोई और। और इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं, एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें, एकदम रिएक्ट नहीं करना किसी भी चीज पर, नहीं तो वाद विवाद में आप उलझ सकते हैं। एक छोटे से उपाय बता रहा हूं, वो कर लीजिए। इस दिन लाल वस्त्र ना पहने, सफेद वस्त्र धारण करें और खोए की या दूध की कोई चीज किसी को जरूर खाने के लिए दे दीजिएगा, लेकिन किसी जरूरतमंद को। बस प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए अच्छा समय है, रक्की के रास्ते खुल रहे हैं। यदि भी कहीं कोई परेशानी आप महसूस कर सकते हैं, जीवन साथी यदि हैं तो उनकी ओर से भी थोड़ी सावधानी रखिएगा, उनके हालचाल पूछते रहिएगा। एक सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है इस दिन। इस दिन किसी को बिना तय किए, अच्छे से जांचे परखे कोई धन मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? चावल का दान दीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, ये समय स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, बाकी कुल मिला के अच्छा है, लाभ देने वाला समय है। अचानक कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, या अचानक किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है जिसे देखकर आप प्रसन्न हो। एक सावधानी लेकिन जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन अपने पेट और पीठ का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप काले वस्त्र में थोड़े से चावल रखकर किसी जरूरतमंद को दान अवश्य करिए, ज्यादा भी रख सकते हैं यदि आप चाहें तो। कर्क राशि, भाग्य पक्ष आपका बेहतर हो रहा है, लेकिन तनाव चिंता थोड़ी सी लगी रहेगी, मन अनमना सा रहेगा। एक सावधानी रखिएगा अपने स्वास्थ्य को लेकर, इस दिन कहीं कोई रोग ना उखड़ जाए, गले का विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए? लोगों को अपने हाथ से जल पिलाएं, और हाँ, खुद भी खूब सारा जल दिन में पिए। सिंह राशि, आपके लिए अच्छा समय है, जम के मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं, किसी की मदद से आपका काम बन सकता है, लेकिन दो सावधानी रखनी होगी। एक तो भोजन बहुत सावधानी से करें, पित्त ना बने, और दूसरी चीज रिश्ते निभाने में इस दिन आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? सूर्य की उपासना करें और गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करें, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन कुछ सावधानी के साथ। इस दिन माता जी से मतभेद नहीं होना चाहिए, बाकी एक उपाय कर लीजिएगा। इस दिन को बेहतर बनाने के लिए तुलसा पत्ता अच्छे से धोकर अपने जिवा के नीचे रखकर चूस लीजिएगा, और वो जी सब ठीक करेंगे। तुला राशि, यह दिन धनदायक सिद्ध हो सकता है, आपके लिए अच्छा समय है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रभु जी आपको लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, जिन लोगों को ठंड की शिकायत है वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, और धन थोड़ा कंजूसी से खर्च कीजिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए? चीनी का दान करिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, परिणाम तो देगा लेकिन धीरे धीरे देगा, इसलिए धैर्य मत खोइएगा, कार्य थोड़ा सा बिगड़ेगा फिर बन जाएगा, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन जिन लोगों को किसी इंटरव्यू में जाना है, प्रमोशन की बात करनी है, कोई ऑर्डर वगैरह लेने जाना है, उन लोगों को अपनी भाषा पर विशेष पकड़ बना के रखनी होगी, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप उड़द की दाल का दान किसी जरूरतमंद को जरूर करें, फिर अपने काम पर जुटें, वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, जम के मेहनत करेंगे, आगे बढ़ने के काफी अवसर आपको मिलेंगे, इसलिए कहीं कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी, जो लोग यात्रा में जा रहे हैं तो वो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, और साथ ही साथ अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, गिरते पड़ते काम सब हो जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करें, बस गिरते पड़ते धैर्य ना खोए, यानी कहने का मतलब है कुछ बाधाएं आएंगी लेकिन काम बन जाएंगे, बस धैर्य रखिएगा। एक सावधानी इस दिन विशेष है, जिन लोगों को सर आंख गले की कोई दिक्कत रहती है, सांस संबंधी कोई परेशानी रहती है, वो अपने परहेज अच्छे से करें, चिकित्सक से सलाह लें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, अपने और अपने माता जी के भी स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना पड़ेगा।
एक सावधानी, इस दिन जल्दबाजी में या किसी के बहकाने में, किसी के कहे में आने में कोई निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान कीजिएगा, तो मुझे सब ठीक करेंगे। मीन राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। कुछ परेशानियां जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन कार्य रुक नहीं रहे हैं और हो सकता है कोई अच्छा समाचार मिले या किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी बात हो। बस एक सावधानी रखिएगा, जिन लोगों को आंख, पेट और पीठ की दिक्कत रहती है वो जरा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, उस तनाव तो रहेगा, इसलिए आप अभी गहरी श्वास भर के अपने इष्ट का जप करके फिर अपने काम पर जुटे। और हाँ, आज पीले वस्त्र पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।